नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बारिश का सीज़न चल रहा है और आज है जून की 28 तारीख। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसे कुछ प्लांट्स जिसको मैं नए से ग्रो किया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के साथ जो प्लांट शेयर कर रहा हूँ वो है मेरे डहलिया के प्लांट। हालांकि कुछ दिन पहले मैं इसके बारे में एक वीडियो अपलोड किए थे, तब मेरे प्लांट पे एक ही फ्लावर थी, पर अभी देखिए मेरे प्लांट पे दो फ्लावरिंग हुए हैं और एक फ्लावर देखिए मुरझा गया है। मतलब ये भी कुछ दिन पहले खिला था और अभी देखिए इसमें और भी कई सारे बर्ड्स आ रहे हैं। दोस्तों, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है लेकिन इन बारिश के सीज़न में मेरे डहलिया प्लांट पर फ्लावरिंग हो रहा है। दोस्तों, सभी प्लांट्स मेरे हैं विंटर सीजन वाले। यहाँ पे और एक प्लांट है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ चल रहा है इसका। हालांकि इसमें तो बर्ड्स नहीं है, फ्लावरिंग नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी ग्रोथ अच्छा है। इस साइड पे और एक प्लांट है, इसके भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है अभी। और देखिए, फ्लावरिंग इसमें भी नहीं है लेकिन ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इस साल मैं इसी प्लांट से बहुत सारे कटिंग बनाऊँगा और बहुत सारे मेरे प्लांट्स बनेंगे अभी इसी प्लांट से। तो मैं जब कटिंग करूंगा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मॉस रोज के एक कलर की वैरायटी। मैं नए से लगाया हूं अभी मेरे गार्डन पे। इससे पहले और एक कलर की वैरायटीज है मेरे पास, लेकिन ये मैं इस साल अभी नया ग्रो किया हूं। तो इसमें देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो चुका है। मैं एक कटिंग लाया था कहीं से, तो उसमें देखिए अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। मेरे पास और एक कलर की वैरायटी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर की वैरायटी है जो अभी इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो रहे हैं। और इनको मैं एक 4 इंच के पॉट के अंदर लगा के रखा हूँ। यहाँ पर और भी कुछ प्लांट है जो ऑर्नामेंट प्लांट है जिसको मैं नए से ग्रो किया हूँ, ये मेरे पास नहीं था। तो ये भी देखिए शायद लग चुका है, कुछ 8 या 10 दिन पहले मैं प्लांट को ग्रो किया हूँ इस 4 इंच पॉट के अंदर। यहाँ पर और एक प्लांट है, ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। देखिए इसमें भी नए से लीव्स निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर इसको मैं एक 4 इंच पॉट के अंदर लगाया हूँ। ये ज़्यादा बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन इसके जो कलर्स के शेड है बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होंगे इसलिए मैं इसको 4 इंच पॉट के अंदर लगाया हूँ। यहाँ पर और कुछ प्लांट है, मतलब एक्सोरा के दो प्लांट है। देखिए इसको भी मैं नए से ग्रो किया हूँ, ये येलो वैरायटी है, दोनों ही येलो वैरायटी है। ये भी मैं किसी दोस्त के घर से लेके आया हूँ, इसमें रूटिंग था तो इसलिए मैं इसको दोनों सेपरेट प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर लगा दिया हूँ। और एक मैं एक्सोरा प्लांट लाया हूँ जो कटिंग है, उसको मैं मेरे कटिंग ट्रे के अंदर अभी लगा चुका हूँ। वो यहाँ पर है, आप देख सकते हो, ये एक पिंक वैरायटी है एक्सोरा के। मैं इसको स्टेम कट करके लेके आया हूँ और शायद 4 या 5 दिन ही हुए होंगे, तो इसमें अभी रूटिंग तो चालू नहीं हुआ है। जैसे ही रूटिंग चालू होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक जेड प्लांट के भी कटिंग लगाया हूँ, ये शायद लग चुका है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं अभी इसको निकाल के चेक नहीं किया हूँ कि इसके रूटिंग हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं शायद 15 या 20 दिन पहले इसको ग्रो किया हूँ और कुछ दिन बाद मैं इसको निकाल कर चेक करूँगा इसमें रूटिंग हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट जो प्लांट आपके सामने है, इसे कहते हैं रेन लिली या फिर ग्रास लिली भी कहा जाता है। नए से फ्लावरिंग शुरू हुआ है इसमें, क्योंकि बारिश के मौसम में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होता है। बेहद खूबसूरत कलर है इसका, देखिए येलो। हालांकि और भी कई सारे कलर्स पे आते हैं ये, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास एक यही वेराइटी है। देखिए कितने सुंदर से अभी फ्लावरिंग शुरू किया है। ये जो प्लांट आपके सामने है इसे कहते हैं क्रोसांड्रा इनफंडी बुलिफॉर्मिस, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है इसका। दोस्तों, ये समर सीजन में फ्लावरिंग करते हैं और इसके जो फ्लावरिंग है
ये फरवरी के एंड से शुरू हो जाता है और अप टू अक्टूबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है। मैं इसको इसी साल छोटे से प्लांट नर्सरी से लेके आया था जनवरी के महीने में, और इसको मैं एक कैरी बैग के अंदर और एक 6 इंच पॉट के अंदर लगा दिया हो। तो दोनों में ही देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। बहुत खूबसूरत सा फ्लावर है ऑरेंज कलर का, और जो फ्लावरिंग है ये प्लांट पे रहते कुछ दिन तक, 2 से 3 दिन तक रह जाते हैं अगर आप अगर एक बार फ्लावरिंग हुआ तो। दोस्तों ज़्यादा बड़ा प्लांट तो होते नहीं है, 1 से 1.5 फीट का ही होते हैं, और इसको आप छोटे से छोटे पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो। हालांकि इस प्लांट को मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कभी भी आप लोगों को बताया नहीं हूँ। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, मेरे पास 2 ही प्लांट है अभी। ये परमानेंट प्लांट है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इसको इसी साल ग्रो किया हूँ। इसके बारे में और कुछ जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बाद में। तो अभी देखिए इसको मैं ज़्यादा खाद की इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और किसी प्रकार पेस्ट का भी अटैक नहीं है मेरे प्लांट पे। ऐसे स्टिक की तरह निकलते हैं और इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं, और इसको मैं फुल सनलाइट पर रखा हूँ जहाँ पर दिन भर की तेज़ धूप इसके ऊपर पड़े। तो दोस्तों ये तो था कुछ अपडेट, मतलब मेरे गार्डन में नए कुछ प्लांट्स मैं ग्रो किया हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और भी कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।